हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम पीएसएन केमिस्ट्री में क्लास 9 की बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो था हमारा ऑन द बेसिक डेरिवेशन ऑफ केमिकल फार्मूले। केमिकल फार्मूले को कैसे डिराइव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, ये पूरा डिस्कशन था और उसमें और भी दो चार कॉन्सेप्ट और डिस्कस किए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए हैं, तो कुछ टॉपिक्स हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि इसमें फिर से दिया गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उन एग्जांपल्स को करते हैं। अगर एग्जांपल का नंबरिंग मैं देखूं तो नंबरिंग क्या है आपके बुक में, वो है एग्जांपल 2.2। क्या है? एग्जांपल 2.2। इसमें सवाल क्या कह रहा है कि अ सॉल्ट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्सी एसिड कंटेनिंग क्लोरीन। ओके, आपके पास एक सॉल्ट बन रहा है जो ऑक्सी एसिड है क्लोरीन का। ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ओके, प्लस एक बेस है आपका, बेस कंटेनिंग मोनोवेलेंट मेटल। ओके, क्या कह रहा है भाई? एक ऑक्सी एसिड है क्लोरीन का, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड मैंने आपको बताए हैं। क्लोरीन का सबसे पहला ऑक्सी एसिड HClO4, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO। अब इन चारों में से कौन सा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को आगे देखते हैं। ओके, अब आपका जो मोनोवेलेंट मेटल है उसका एटॉमिक मास एक्स है। मोनोवेलेंट मेटल को मान लेते हैं हम लोग एम। मोनोवेलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो, एक हो। इसका मतलब जब ये OH के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ इस प्रकार होगा। और इस एम का एटॉमिक मास जो है, एम का एटॉमिक मास, एम मान लिया हम कोई मेटल है, एटॉमिक मास है आपका एक्स। ओके, अब ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड इज, इसमें जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज वन, क्या है भाई, इज वन मोर देन द ईक एसिड। अब आपको आइडिया लगाना है, आपके पास इसमें जो ऑक्सीजन होंगे इसको हम क्या कहते हैं भाई, पर क्लोरिक एसिड, एंड दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, एंड दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। आपके पास ईक एसिड होगा, ये है ईक एसिड, दैट इज पर क्लोरिक एसिड, नहीं सॉरी, क्लोरिक एसिड से एक ऑक्सीजन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। अब क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, HClO3, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, HClO4। ओके, अब ये आपका बन गया परक्लोरिक एसिड। ओके, तो हमें एसिड भी मिल गया, बेस भी मिल गया। अब इन दोनों से बनने वाला सॉल्ट जो होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, दैट यू नीड टू टेल। आपको बताना है इन दोनों से, एक एसिड है और एक बेस है, इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो लेट्स हैव अ लुक। अगर आपके पास ऑक्सी एसिड क्या मिल गया, HClO4, तो HClO4, बेस क्या हो गया, MOH। ओके, अब आप इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये M जो मेटल है ये क्या करेगा, ClO4 से, ये क्या है, H प्लस है, ClO4 माइनस है, और ये क्या है, M प्लस है, OH माइनस है। तो होगा क्या भाई, ये ClO4 माइनस M प्लस के साथ कंबाइन करेगा और आपका सॉल्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, MClO4 प्लस H2O। हमें बताना कि ये सॉल्ट क्या बना, तो सॉल्ट तो मिल गया हमें, अब इस सॉल्ट का हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है। आप में से बहुत सारे बच्चे मॉलिक्यूलर मास
नहीं जानते होंगे तो इसके बाद के लेक्चर में हम बताएंगे कि मॉलिकुलर मास क्या होता है। अब मॉलिकुलर मास निकालने के लिए इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक मास को जोड़ना पड़ेगा। तो एम का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, एक्स, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16। हमारे पास चार एटम है, अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस 35.5 प्लस 64। तो आपको क्या मिल गया भाई, 0.5549639 99.5 plus xAMU, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्ट फॉर्म। और इसका नाम अगर आपको कहना चाहेंगे तो इस मेटल का कोई नाम होगा, मेटल अगर जो भी है मेटल के हिसाब से नाम हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा वाला पार्ट है क्लोरेट, कोई मेटल क्लोरेट है, समझ में आई बात। तो क्लोरिक एसिड से, पर क्लोरिक एसिड से क्या बन गया, पर क्लोरेट, समझ में आ रही बात। दिस इज योर पर क्लोरिक एसिड एंड दिस विल बी अ मेटल पर क्लोरेट। तो दिस वॉज द क्वेश्चन जो आपको बताना था, थोड़ा सा इसमें आपको डिफिकल्टी लेवल था लेकिन अब मैंने बता दिया तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही समझ सकते हैं जो बच्चे अपने बुक को लेके बैठेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं, बस मैंने एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन क्या है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, हमारे पास अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2.3। अब मुझे क्वेश्चन लिखने का मन कर रहा था, फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फाइड क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फाइड, एक मेटल है जो फॉस्फाइड बना रहा है, मेटल फॉस्फाइड इज M3P2। आइडेंटिफाई क्या बोला है, आइडेंटिफाई फॉर्मूले ऑफ द फॉर्मूले ऑफ द नंबर ए, नंबर ए क्या बोला है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर बी क्या बोला है, मेटल नाइट्राइट, नंबर सी मेटल बाइकार्बोनेट। ये तीन आपको अननोन कंपाउंड दिएगा जिसका आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना है विद द हेल्प ऑफ दैट। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मेटल फॉस्फाइड, क्या दिया हुआ है, मेटल फॉस्फाइड M3P2। ओके, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, कैसे पता चलेगा, आप सबको पता है कि इसमें एक मेटल है M, दूसरा मेटल है P। अब P को 2 बनने के लिए M की वैलेंसी 2 होनी पड़ेगी, तभी ना इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, और M को 3 बनने के लिए इसकी वैलेंसी 3 होनी पड़ेगी, यानी कि हमें पता चल गया कि M इज गोइंग टू बी M+2 और P क्या हो जाएगा, P-3, दोनों हमें पता चल गया। तो मेटल क्या है हमारे पास, M+2, मेटल इज गोइंग टू बी M+2। अब आपके पास जो ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड O-2 होता है, और मेटल हमारे पास क्या है, M+2। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी दो, जब दोनों की वैलेंसी सेम हो जाए तो फॉर्मूले में हम लोग वैलेंसी के नंबर को पुट नहीं करते हैं, हमारा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया, MO। अब मेटल नाइट्राइड लिखना है, मेटल हमारे पास M+2 है और नाइट्राइड का होता है NO2, आप सबको पता होना चाहिए NO2 एंड NO3 -। ठीक है, जो इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है वो नाइट्राइट, और जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक ज्यादा है उसको बोलते हैं नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी एक, इसकी वैलेंसी दो, जिसकी वैलेंसी एक है उसको क्या बनना पड़ेगा, दो बनना पड़ेगा, सो दैट वो दो वाले के साथ कंबाइन कर सके। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम और NO2, क्योंकि ये एक पॉलीवेलेंट, पॉली एटॉमिक क्या है, दिस इज अ पॉली एटॉमिक आयन, और पॉली एटॉमिक आयन के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ब्रैकेट यूज करते हैं, और वो हो गया 2। तो M की वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी वैलेंसी 1 है उसको 2 बनने के लिए उसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, वेरी सिंपल। अब हमारे पास आगे है मेटल बाइकार्बोनेट, तो मेटल का तो हमें पता है M+2 और बाइकार्बोनेट होता है HCO3-, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो जिसकी वैलेंसी 1 है
उसको दो बनना पड़ेगा भाई, दो वाले से कंबाइन करने के लिए। तो आपका बन गया फॉर्मूला एम एच सी ओ थ्री, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है इसलिए ब्रैकेट यूज करके यहाँ टू डालेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट दी फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड नाइट्राइट एंड बाइकार्बोनेट। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, उसको बना लेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 2.4 का सवाल बहुत बड़ा है। सवाल क्या है भाई? सवाल लिखते हैं हम लोग। सवाल कह रहा मेटल एम फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स। मेटल 2.4 है, मेटल एम फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स ए एंड बी इन विच द रेशियो ऑफ नंबर क्या है भाई? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ, यही हमारे साथ दिक्कत है, ऑक्सीजन एटम्स की हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ऑक्सीजन एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इन द मॉलिक्यूल आर 3:5, 3:5 and 1:2, ओके, रिस्पेक्टिवली। सवाल भी थोड़ा बड़ा ही है। क्या कहा है? डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। क्या बोला आपको? डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का आपको फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। ओके, जब भी कोई सवाल दिया हुआ हो आपके पास तो आप जितने इन्फॉर्मेशंस हैं उन इन्फॉर्मेशंस को ही देखेंगे सबसे पहले। तो आपके पास मेटल एम दो ऑक्साइड बना रहा है, ए और बी। एक एम एक मेटल है जो एक ऑक्साइड बना रहा है ए, दूसरा ऑक्साइड बना रहा है बी। समझ में आ रही बात? अब ए में क्या है, एक ही कहानी क्या है, कह रहा आगे, इन विच द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं और ऑक्सीजन के नंबर का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुछ होंगे और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम कुछ होगा, तो उन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है? पहले क्या है भाई, पहले क्या बोला है? ऑक्सीजन एटम टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। पहले ऑक्सीजन है फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि आपको रेशियो दिया गया है 3:5, 3:5। तो आपका अगर मान लेते हैं x 3x, अगर आपका क्या है ऑक्सीजन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 8x। समझ में आ रही बात? 8x, यही ना रेशियो दिया गया है। अब आपको हमको वैल्यू कैसे निकाला जाएगा इसका? दूसरा रेशियो क्या दिया? 1:2, ये अलग अलग रेशियो दिया गया है। अब यहाँ से आपको क्या बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी का फॉर्मूला क्या होगा। अब ए में आप देख सकते हैं रेशियो 3:5, 1:2 रेशियो दिया गया है। तो एम मेटल ऑक्साइड जो होगा, मेटल ऑक्साइड जो ए है, ए वाला मेटल ऑक्साइड एम ओ होगा, ये भी एम ओ होगा, लेकिन कौन कितना है ये हमें पता नहीं है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 है। कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5 एटम्स। टोटल कितने हैं भाई? ये दोनों मिला के 5 एटम्स हैं हमारे पास। अगर ये दोनों मिला के 5 एटम्स होंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 3 है। ऑक्सीजन सिर्फ कितना है? 3। तो मेटल कितने होंगे? 2। कितना सिंपल हो गया। तो फार्मूला क्या मिल गया? M2O3। MO यहाँ हमने लिख दिया है। अब यहाँ रेशियो क्या दिया है? 1:2, 1:2, यानी कि आपके पास एक ऑक्सीजन होगा तो टोटल एटम्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऑक्सीजन जब एक है, ऑक्सीजन एक है, तो टोटल एटम्स कितने हैं भाई? टोटल इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं।
यही ना भाई, बाद वाला नंबर क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल आपके पास दो एटम्स हैं और रेशियो क्या दिया है, 1:2, और पहला वाला रेशियो का जो वैल्यू है ये आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है। तो एक ऑक्सीजन होगा तो एक ही मेटल के एटम होंगे, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला MO ही होगा, क्योंकि 1:1 रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसको आगे लिख सकते हैं आप MO। तो B वाला जो है वो MO हो गया और A वाला M2O3 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, आपके बुक में अलग अलग तरीके से इसको बनाया गया है, लेकिन मैं इसको सिंपलीफाई कर दिया आपको कि पांच एटम है, बाद वाला जो रेशियो का वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। टोटल नंबर ऑफ एटम अगर पांच है और ऑक्सीजन दो है तो मेटल के कितने एटम्स होंगे, दो होंगे, तो 2:3। समझ में आ गई बात कि नहीं? चले आगे बढ़ते हैं। आप जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ तक हो गई बातें क्लियर, तो क्वेश्चन का मामला हो गया सॉल्व। अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या पढ़ा जाए, ओके देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा। जो सो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन मैं सीधे शुरू करूँगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म जानना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अब नाम से पता चल रहा है कि एक एटम का मास है, मास ऑफ एन एटम। अब ये एटम किसका होता है, आप सबको पता होगा कि एटम बिलोंग्स टू एलिमेंट, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन आप सबने ये पढ़ा होगा जरूर कि एक एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट आइसोलेट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जब आइसोलेट नहीं कर सकते हैं तो उसके एटम के मास को मेजर कैसे करेंगे, तो हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि हम एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, हम रिलेटिव बताएंगे। अब रिलेटिव के लिए हमें किसी को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो माना क्या गया, माना यह गया कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ओके, कार्बन के अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, यानी कि कार्बन के एटम अलग अलग मास में पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन का मास जब 12 हो तब उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन 12 आइसोटोप। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को कितना माना गया, 12 AMU, या फिर इसको लिखा गया 12 U, या फिर इसको कहा गया 12 Dalton। ये माना गया, इसको मान लिया गया। समझ में आ रही बात, जब हम एक स्टैंडर्ड मान लें, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड मास है, ओके। स्टैंडर्ड मास क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। AMU क्या है भाई, AMU जो है, ये AMU है क्या, ये AMU है आपका एटॉमिक मास यूनिट। जब इसको डिराइव किया गया था तब इसका वैल्यू पता नहीं था, बट आजकल हमें हर एक वैल्यू पता है। और सिर्फ अगर यू लिखेंगे तो उसको आप बोल सकते हैं यूनिफाइड मास, दोनों का मतलब सेम है। अब इसको हम डिफाइन भी करेंगे कि इसका ये क्या है एक्चुअली, लेकिन अभी मान लो कि एक तरह से यूनिट है ये, ओके। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया हमारा, कार्बन 12। अब इस कार्बन 12 को कितने, इसमें कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं। एक यूनिट निकालने के लिए, यानी कि 1 AMU निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 पार्ट करने पड़ेंगे। 1/12 किसका करना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ, ये बात बस बहुत बच्चों को समझ नहीं आ सकती है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या कहा मैंने कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका वैल्यू कितना है भाई, 12 है, आपने 12 को 12 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, तो एक एक टुकड़े का जो मास होगा, कितने टुकड़े का, एक एक टुकड़े का जो मास होगा वो कहलाएगा 1 AMU। इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखें आप 1/12 है और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप कितना है भाई, 12 AMU है, तो 12 डिवाइड होके 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 क्या बचा भाई, 1 AMU। तो 1 AMU कैन बी डिफाइंड एज 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कार्बन 12 के एक एटम के मास को मान लिया 12 यूनिट, कितना है ये पता नहीं है अभी, ओके, ये अननोन माने आप इसको। अब आपने उसको मान लिया 12 यूनिट,
अब 12 यूनिट मतलब एक 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 इस तरह से 12 यूनिट्स होंगे, तो एक यूनिट का मास क्या होगा? एक यूनिट के मास को निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 12 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 12 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ? 1/12 से आपने मल्टीप्लाई किया, वही ना बात हुई, मैथमेटिकल मीनिंग है। तो व्हेन यू से 1 AMU, इट मींस 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये जो है 1 AMU हमें स्टैंडर्ड मिल गया एक, इसी से रिलेट करके हम लोग बाकी एटम के मास को निकालते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, 1 AMU के रिस्पेक्ट में जो हम लोग मास निकालते हैं एटॉमिक, वही कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि जो मास हमें दिखता है दैट इज एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। ये सारी बात आप लिखेंगे तब आपको मामला समझ आएगा। अब कुछ वैल्यूज देख लेते हैं एटॉमिक मास का, चलें, और उसका मतलब भी समझ जाते हैं। एक तरफ मैं एलिमेंट लिखूंगा, एलिमेंट्स, एक तरफ लिखूंगा एटॉमिक मास इन AMU, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड पता हो गया हमें। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 AMU। इसका मतलब क्या हुआ? IE, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ओके, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 times, कितना टाइम्स? 1 times हैवियर देन AMU, और AMU क्या है? 1 times हैवियर देन 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना, यानी कि जब 1 AMU आपने लिखा किसका मास? हाइड्रोजन का, इसका मतलब ये हो गया, हालांकि एग्जैक्टली इतना नहीं होता, ये होता 1.008 होता है, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 ही लिखते हैं, ओके। हाइड्रोजन का वैल्यू एक्चुअली क्या है? 1.008 AMU, ठीक है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा करते हैं। अब इस बात को कितने लोग समझ पाए, ये स्टेटमेंट कितने लोग समझ पाए, जल्दी बताएं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम जो है वो कितना हैवी है 1 AMU से। तो 1 AMU से सिर्फ वो 1 times हैवी है, और 1 AMU इज दिस इज 1 AMU, यही ना है 1 AMU, 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज 1 AMU, और 1 AMU से 1 times हैवी है कार्बन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास। उसी तरह से मैं अगर लिखूं कार्बन, तो कार्बन का होता है 12 AMU, तो पता ही है। ऑक्सीजन लिखूं तो ये होता है 16 AMU। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 23 times हैवियर, सॉरी नॉट 23, 16 times हैवियर देन द 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है भाई। हमने AMU में कितना मल्टीप्लाई किया? 16, तो 16 टाइम्स हैवियर देन AMU, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMU? 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये सारा का सारा रिलेटिव मामला है। तो जब मैं लिखता हूँ एटॉमिक मास, ये एक्चुअली कौन सा मास है? रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको आप कह सकते हैं RAM, ओके? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन हो गया, अगर मैं लिखूं सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU। अब AMU लिखने की ज़रूरत क्या, मैंने लिख दिया वहाँ AMU, ओके? अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम तो इट इज़ गोइंग टू बी 24। अगर मैं लिखूं सल्फ़र तो ये हो जाता है आपका
32, अगर मैं लिखूंगा फॉस्फोरस दिस इज 31, अगर मैं लिखूं और एलिमेंट लिखता हूं यहां पे, यहीं पे उसका मास लिख देता हूं मैं, अगर मैं लिखूं आपका क्लोरीन तो क्लोरीन इज गोइंग टू बी 35.5। अब 35.5 क्यों हुआ, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आया क्योंकि इसके डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, किसी एक को हम लोग उठाते हैं एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकालने से ऐसा हो जाता है, समझेंगे बाद में इसको, केमिस्ट्री इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो रही ना आपकी। कैल्शियम है ये है 40, ओके आर्गन है ये भी है 40, तो इस तरह से हम लोग और भी एटॉमिक मासेस देखेंगे विच इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसका मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको पूरा मामला समझ आया, अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, खूब कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे वो देख रहे हैं हमारे वीडियोस जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई बिना सब्सक्राइब किए हुए कैसे आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, पहले सब्सक्राइब करिए फिर आगे बढ़िए, और लाइक करना ना भूलें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब एटॉमिक मास जब हो गया तो एटम से क्या बनते हैं भाई, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एटम से फॉर्मूला यूनिट बनता है, तो हमें वो भी जानना है, फॉर्मूला यूनिट मास भी जानना है, और क्या जानना है, मॉलिक्यूलर मास भी जानना है, यानी कि हम मॉलिक्यूलर मास भी जानेंगे, मॉलिक्यूलर मास भी जानेंगे और फॉर्मूला यूनिट मास भी जानेंगे, और जो रिलेटिव टर्म है ये अंडरस्टूड है, रिलेटिव अंडरस्टूड है, ठीक है। अब दोनों निकाला कैसे जाता है, दोनों अलग अलग बात हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास O2 एक मॉलिक्यूल है, H2 एक मॉलिक्यूल है, CO2 एक मॉलिक्यूल है, C6H12 O6 एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। इन सब का अगर आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस में निकलेगा, AMU, यानी कि इसके लिए भी स्टैंडर्ड हमारा क्या होगा, AMU ही स्टैंडर्ड होगा। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप ऑक्सीजन के एटॉमिक मास लिखेंगे और इसके जितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल गया 32 AMU। ओके, अगर आप वाटर का निकालना है तो वाटर में दो एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स के लिए दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और एक का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, तो 16 और 2 हो गया 18 AMU। आई थिंक आपको मामला बिल्कुल समझ आ रहा होगा, एकदम ध्यान से देखें, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है इस तरह से, तो जोड़ेंगे तो कैसे होगा भाई, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और इसके कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, क्या हो गया 12 + 16 = 32, यू गेट 44 AMU। अब AMU बार बार बड़ा लग रहा है तो हम इसको U लिख रहे हैं सिंपली, C6H12O6, कितने एलिमेंट्स हैं, 3, यानी कि 3 बार जोड़ेंगे, तो कार्बन है, कार्बन का 12 होता है और कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं, प्लस क्योंकि अगला हमारा अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 11, और एक एटम का मास होता है 1, प्लस आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 6 × 16 कितना हो गया भाई, 72 + 11 = 12 है, प्लस 96 कितना मिल गया, देखिए 0 7 1 8 and 9 17 1 18 180 यूनिट। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी हो सकता है, यानी कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और अ कंपाउंड, समझ रहे हैं मेरी बात। अब कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास कंपाउंड्स जो फॉर्मूला यूनिट के तरह पाए जाते हैं, इसमें आपका आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर्मूला यूनिट। अब इस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा, मास ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट मास। अब जैसा कि हमारे पास सॉल्ट है, NaCl है, ये एक फार्मूला यूनिट हो गया, क्योंकि इसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। अब आपके पास KCl है, इसी तरह से CaCl2 है,
ये सब क्या है, फार्मूला यूनिट्स हैं आयनिक कंपाउंड्स के लिए। अब इस तरह के फार्मूला यूनिट्स के मास को इसी तरीके से निकाला जाता है। आपको सोडियम का मास पता होना पड़ेगा 23, प्लस क्लोरीन का मास 35.5, कितना मिल गया भाई 58.5 यू। KCl का अगर देखेंगे, पोटाशियम का होता है 39, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो क्या मिल गया वैल्यू भाई, आप देखें 0.595 14 336 और 17, देख लेंगे आप 74.5 यूनिट। CaCl2 का अगर देखेंगे, कैल्शियम का होता है 40 और क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, इसके कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, तो आपका हो गया 40 + 71 एंड इट इज़ गोइंग टू बी 101, सही है कि नहीं, 7 × 4 = 11 होता है 111 यूनिट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। ओके, अब हमें कहाँ मेन टॉपिक पे आना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। वी हैव टू मूव टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं क्या, देख लेते हैं ज़रा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उससे पहले और कुछ कुछ है क्या छोटी छोटी चीज़ें, लेट मी चेक इफ देयर इज समथिंग एल्स। चल, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले हमें आपको कुछ कहानी बताना चाहेंगे कि केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। व्हेन आई से केमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके पीछे कौन कौन से लॉज लगते हैं, उन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। और ये लॉज केमिस्ट्री में बहुत पहले ही दिए गए हैं एंड दीज लॉज आर वैलिड टिल नाउ, अब तक ये लॉज वैलिड हैं, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन लॉज है जो केमिस्ट्री के बहुत सारे केमिकल प्रिंसिपल को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, अब क्या है, हम अभी बैलेंसिंग वगैरह बाद में देखेंगे, इसमें कौन कौन से लॉज पढ़ेंगे, हम तीन बेसिक लॉ पढ़ेंगे। नंबर वन ये हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ, इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे कौन कब दिया, बस स्टेटमेंट जानेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। एंड तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीन मेन लॉज हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, जो इन्हीं दोनों का मिक्सचर होता है, वो आपको समझने की ज़रूरत नहीं, वो ख़ास बात नहीं है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, मान लेते हैं रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जितना रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ मास होगा, प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन, यही इसका स्टेटमेंट है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कह रहा हूं मैं, इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, i.e. इट इज ऑलवेज कंजर्व, ये हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि आप कह सकते हैं मास ऑफ, क्या कह सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। कहा क्या जा रहा है, जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे, जितने आपके सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, दोनों के मास में कोई फर्क नहीं होगा, यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, मान लेते हैं CO2 है ना, SO2 है या फिर H2O है,
अब इनको आप जैसे भी बनाएं, वॉट एवर द मोड ऑफ प्रिपरेशन, जहां से भी बनाएं, इन कंपाउंड्स में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कभी नहीं बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कभी नहीं बदलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको आप कह सकते हैं इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन कंपाउंड elements are always present in a fixed ratio of their atomic masses. Okay, अब रेशियो निकालते हैं हम लोग। रेशियो देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो निकालेंगे अगर, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 2 into 16, रेशियो कितना निकल गया 12:32। अगर 8 से डिवाइड 4:3, 4:8, तो 3:8 मिल गया, 3:8 ये इसका रेशियो हो गया। अगर इसमें देखें हम लोग, सल्फर का एटॉमिक मास होता 32 और ऑक्सीजन का 2 into 32, तो कितना 2 into 16, तो क्या मिल गया 32:32, दैट इज 1:1, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर में अगर देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2:1 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 2:16, दैट इज 1:8। ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, वाटर में ये रेशियो हमेशा फिक्स होगा, किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, देखिए किताब में ऐसे वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन जो सिंप्लीफाइड वर्जन है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, सबसे आसान जो बात है वो हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। चलिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अलग से पढ़ लेते हैं। दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ओके। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, क्या कहता है ये, कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, when two elements combine करते हैं इन डिफरेंट रेशियो, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं अलग अलग रेशियो में, एक रेशियो में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा, तो दूसरे रेशियो में कंबाइन करके दूसरा कंपाउंड बनेगा। किसी एक कंपाउंड में, कोई एक कंपाउंड है जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो हमेशा फिक्स होगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन सिर्फ एक ही रेशियो में हमेशा नहीं करेगा, ये अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। देखिए इसको स्टेटमेंट को आगे बढ़ाएंगे, आपको मामला पूरा पूरा समझ आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, व्हेन टू elements combine in different ratio to give more than one type of compound, the mass of the element that combines with a fixed mass of another element, क्या कह रहा है, when two elements combine in different ratio to give more than one type of compound, the mass of the element that combines with a fixed mass of another element always bear a simple integral ratio। अब स्टेटमेंट को एक मिनट के लिए भूल जाएं, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपने नाम सुना होगा CO और CO2 का, ओके। अब इस CO में कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दिस एग्जिस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करता है कि नहीं,
और दूसरा का है नाम कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में अगर रेशियो देखें हम लोग, रेशियो देखें, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3:4। यहाँ अगर देखेंगे हमारे पास 12 और क्या है 32, तो हमें मिल जाता 3:8। ओके, अब इन दोनों में क्या फिक्स है, कार्बन एटम फिक्स है, यानी कि कार्बन का मास क्या है, फिक्स है, कार्बन का मास क्या है, फिक्स है, बदल कौन रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो बदल रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज चेंजिंग, ऑक्सीजन का मास क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन का एक में मास है आपका 16, दूसरा में मास है 32। इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 1:2, जो एक क्या है भाई, सिंपल इंटीग्रल रेशियो है। अब पूरा मामला समझिए, वन टू एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेगा अलग अलग रेशियो में, क्या करने के लिए, टू गिव मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, द मास ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, द मास ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, कार्बन हेयर द मास ऑफ कार्बन इज फिक्स एंड ऑक्सीजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज चेंजिंग and that will bear a simple integral ratio। और मैंने पूरा पूरा मामला आपको समझा दिया, this is called law of multiple proportion। तो एक किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रेशियो में होगा, लेकिन अलग अलग रेशियो में वो एलिमेंट्स कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग कंपाउंड भी बना सकते हैं अगर उसका कॉम्बिनेशन का रेशियो अलग अलग हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अलावे आपकी किताब में बहुत सारी और बातें दी गई है, उनमें से क्या क्या है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, फिर रेंसिडिटी हमने बताया था आपको, कोरोजन हमने बताया था आपको। तो ये सारी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, इसमें आपकी किताब में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, किसका, इक्विवेलेंट वेट का, जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है अभी के कॉन्सेप्ट में। जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टडी मोल कॉन्सेप्ट, तब हम लोग इक्विवेलेंट मास आपको पढ़ाएंगे, अभी इक्विवेलेंट मास पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहां तक जो और आपके टॉपिक्स है वो आप किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पिछले चैप्टर में उस पर सारा डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम किस पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, एंड 4 लेक्चर में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमने चैप्टर को खत्म कर दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट एवर यू डू जस्ट सपोर्ट अस, हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम फर्दर वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स बनाते हैं, मतलब जितने सारे बुक में आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए वो अगर आप खुद बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें जो डाउट्स हो तो उन डाउट्स को आप शेयर करें हमसे, हम सिर्फ डाउट्स पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा नहीं लगता है कि सारे क्वेश्चंस आप बना के दे दें, तो आप डाउट शेयर करें, उन डाउट्स पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आप कमेंट क्या करते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन दीजिए, तो सॉल्यूशन न देके हम क्या करें, आप क्वेश्चन खुद बनाना शुरू करें, उनमें जो डाउट्स हो डाउट्स को आप बताएं कि इस एक्सरसाइज में, इस कंपटीशन विंग में हमें इस क्वेश्चन पे डाउट हुआ, हम लोग डाउट सेशन करेंगे, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ अकबर क्लासेस।